हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं एक चार्ट हमने क्रिएट कराया है और इस डेटा के लिए ये चार्ट हमने क्रिएट कराया है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी ये जो डेटा है हमारे पास, अगर टाइटल हमको देना है तो टाइटल कैसे देंगे? टाइटल देने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं ये अलग अलग दिखेगी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, डबल क्लिक करेंगे तो ये आप इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी हमको यहाँ पर टाइटल देना है तो यहाँ पर ये चीजें आपको दिख रही हैं। अब यहाँ पर क्या क्या, चार्ट एरिया है, चार्ट वॉल है, ये 3D व्यू है, डाटा रेंज है, टेबल है। यहाँ पर देखिए टाइटल दिया हुआ है, तो इसी टाइटल पर आप क्लिक कर दीजिए और चार्ट का टाइटल क्या देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ मार्कशीट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये चार्ट का टाइटल हम इजीली यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है, ओके करिएगा तो यहाँ मार्कशीट ऑफ स्टूडेंट आपको नजर आने लगेगा। तो यही चार्ट का टाइटल है, इस तरीके से आप चार्ट का टाइटल दे सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपके में, जिस तरह से मेरे में शो कर रहा है डेटा, इस तरह से आपके में नहीं शो करता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसे कंडीशन में आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आप सीधा इंसर्ट पे चले जाइए। पहले तो चार्ट इंसर्ट करा लीजिए और अगर चार्ट इंसर्टेड है तो इसको सेलेक्ट करिएगा, तो इंसर्ट पर जाते ही आपको ये चीजें दिखाई पड़ेंगी, टाइटल, लीजेंड, एक्सेस, ग्रिड्स। तो आप टाइटल पे चले जाइए और इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं या दे सकते हैं, कुछ भी देना हो करना हो यहाँ से कर सकते हैं बहुत इजीली। आई होप की बात समझ में आ गई होगी कि चार्ट का टाइटल कैसे देना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।